Welcome. Calibration of galvanometer into voltmeter using multiplier या range extension of one voltmeter. मतलब voltmeter हम लोगों ने पढ़ा होगा कि voltmeter में क्या होता है, इसकी range जैसे 0 से यहाँ पे 5 volt है, तो इसको हम लोग 5 volt तक ही measure कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम लोग measure नहीं कर सकते. तो इसकी range हम लोग कैसे बढ़ाएंगे, तो एक चीज़ होता है multiplier. multiplier क्या होता है, एक हाई रजिस्टेंस होता है जिसको हम लोग voltmeter के सीरीज में जोड़ के उसकी रेंज को बढ़ाते हैं. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर है, तो गैल्वेनोमीटर को आप एज ए वोल्टमीटर और एज ए एमीटर दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम लोग गैल्वेनोमीटर को एज ए वोल्टमीटर यूज़ करेंगे और उसकी रेंज को बढ़ाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे ये यह पूरी इसकी किट है, इसमें गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, अमीटर लगा हुआ है और एक वोल्टमीटर लगा हुआ है. चूँकि इस प्रैक्टिकल में हम लोग को अमीटर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी. और ये इसका यहाँ पर सर्किट बना हुआ है कि यहाँ पर गैल्वेनोमीटर है जिसको एज ए वोल्टमीटर यूज़ किया जाएगा, और वोल्टमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए सीरीज़ में एक मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस हम लोग लगाते हैं. तो मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस एक हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस होता है, इसको सीरीज़ में लगाने से वोल्टमीटर की रेंज बढ़ जाती है, क्योंकि एक्स्ट्रा जो वोल्टेज होता है वो खुद में ड्रॉप कर लेता है, और वोल्टमीटर जितना उसका पर्टिकुलर रेंज होता है उतना ही उसमें वोल्टेज ड्रॉप होता है. और बाद में हम लोग क्या करते हैं, उसको स्केल को कैलिब्रेट करके एक नया वोल्टमीटर डिज़ाइन कर लेते हैं या वोल्टेज का मान निकाल लेते हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला आता है. ठीक, तो यहाँ पे सर्किट पहले समझेंगे. यहाँ पे एक वोल्टमीटर लगाया जाएगा पैरेलल में, ये क्या करेगा, हम लोग को रीडिंग बताएगा कि गैल्वेनोमीटर कितने वोल्ट तक का वोल्टमीटर बन गया. गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करेंगे यहाँ से, उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे और पावर सप्लाई यहाँ से देंगे. ठीक है, पावर सप्लाई वेरिएबल है लेकिन हम लोग एक फिक्स वैल्यू के लिए लेंगे. ठीक है, तो ऑप्टिक आपका ये रेंज एक्सटेंशन या तो का यूज़ हम लोग वोल्टमीटर और मीटर दोनों तरीके से कर सकते हैं. यहाँ पे हम लोग गैल्वेनोमीटर का यूज़ ऐसे वोल्टमीटर करेंगे और वोल्टमीटर की ही रेंज बढ़ाएंगे. तो गैल्वेनोमीटर को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे और उसके सीरीज में क्या लगाएंगे, एक हाई रेजिस्टेंस लगाएंगे, और इस वैल्यू को चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पे पैरेलल में एक वोल्टमीटर लगाएंगे. यहाँ पे एक वेरिएबल सप्लाई है, वेरिएबल सप्लाई देके हम लोग यहाँ पे कई रेंज ले सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे एक पर्टिकुलर वोल्टमीटर के एक पर्टिकुलर वोल्टेज के लिए यहाँ पे हम लोग कैलिब्रेट करेंगे एक गैल्वेनोमीटर को इनटू वोल्टमीटर में. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ डेटा आपको लेने पड़ेंगे, जैसे जो गैल्वेनोमीटर है उसमें क्या, उसकी जो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर उसकी सारी रेंज फिक्स है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कुछ मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं. तो गैल्वेनोमीटर है तो इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस आरजी है वो है इसका 50 ओम. ठीक, ये डाटा पहले से गिवन था. और इसका जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन पर क्या, फुल स्केल डिफ्लेक्शन पर क्या होगा, इसमें जो करंट होगी वो 600 माइक्रो एम्पियर होगी. मतलब अगर ये इसका जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन, चूंकि इसके स्केल 30 तक है, तो अगर ये 30 तक जाएगा तो इसमें करंट कितनी फ्लो होगी, 600 माइक्रो एम्पियर. और फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा इसका गैल्वेनोमीटर का, ये आईजी है, आईजी दिखाएंगे, वीजी 30 मिली वोल्ट. मतलब अगर इस गैल्वेनोमीटर को 30 मिली वोल्ट का वोल्टेज मिल जाएगा तो इसमें फुल स्केल डिफ्लेक्शन हो जाएगा. इसका मतलब ये होगा कि इस गैल्वेनोमीटर से हम लोग केवल 30 मिली वोल्ट ही मेजर कर सकते हैं. लेकिन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करेंगे 3 वोल्ट के वोल्टमीटर में, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, तो उसके लिए कैलकुलेशन है. कैलकुलेशन क्या, इसका एक फॉर्मूला होता है कि आर एस, जो हम लोग शंट रेजिस्टेंस सीरीज में लगाएंगे उसका फॉर्मूला होता है M-1 × RG. ठीक, ये शंट रेजिस्टेंस जो हम लोग निकालेंगे कितने वैल्यू आएगी, यम क्या है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है. यम की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी टोटल वोल्टेज, जिस वोल्टेज का आपको बनाना है, अपॉन मीटर का वोल्टेज, मीटर जितने वोल्ट पे काम कर रहा है. ठीक, तो यहाँ से हम लोग पहले वैल्यू निकाल लेते हैं. आर एस की वैल्यू, ये यम की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे वी अपॉन वी एम, तो वी हम लोग को 3 वोल्ट का बनाना है. ठीक, और वोल्टमीटर का, सॉरी गैल्वेनोमीटर का फुल स्केल रिफ्लेक्शन 30 मिली वोल्ट पर है, मिली वोल्ट वोल्ट माइनस 1 × RG की वैल्यू 50 है. इसकी स्पीड ज़्यादा है ना, 30 मिली वोल्ट है, तो यहाँ पे जो वैल्यू रखेंगे 3/3 × 10⁻³ माइनस 1 × 50, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आएगी वैल्यू आपकी 100 माइनस 1 × 50. जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगी 9,4950 ओम, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 4.95 किलो ओम. मतलब अगर गैल्वेनोमीटर के सीरीज़ में हम लोग इतनी रेजिस्टेंस लगा दें तो जो गैल्वेनोमीटर को 30 मिली वोल्ट का था वो अब 3 वोल्ट के वोल्टमीटर की तरह बिहेव करने लगेगा. तो आइए इसका सर्किट देखते हैं.
सर्किट में क्या करेंगे, यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर है ये आपका, ठीक। गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाएंगे और गैल्वेनोमीटर आपका 30 मिली वोल्ट का है, मतलब इसका फुल स्केल डिफरेंस 30 मिली वोल्ट पे है। और यहाँ पे एक आरएस लगाएंगे, ठीक। और आरएस की वैल्यू यहाँ पे हम लोग कितने मिले, 4.95 किलो ओम, ठीक। अब चूंकि वोल्ट, अब ये 3 वोल्ट का वोल्ट मीटर बन गया पूरा कॉम्बिनेशन, जिसके कॉम्बिनेशन की वैल्यू जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पैरेलल में एक वोल्ट मीटर लगाएंगे। अब ये वोल्ट मीटर क्या करेगा, इस पूरे की वोल्टेज पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे वैल्यू अगर 3 वोल्ट आ रही है और यहाँ पे डिफ्लेक्शन फुल स्केल पे है, तो यहाँ से ये क्लियर हो जाएगा कि ये गैल्वेनोमीटर एक 3 वोल्ट के वोल्ट मीटर की तरह काम कर रहा है। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक सप्लाई से जोड़ देंगे इसको, चूँकि पैरेलल में है तो पैरेलल में यहाँ पे एक सप्लाई से हम उसको हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक। तो ये सप्लाई से जोड़ देंगे, ये वोल्टेज चाहे जितना हो, ठीक है, उससे नहीं मतलब है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वोल्टेज वेरिएबल है, जिससे हम लोग वेरिएबल करके 3 वोल्ट तक का वोल्टेज देंगे और चेक करेंगे कि यहाँ पे 3 वोल्ट आ रहा है कि नहीं और गैल्वेनोमीटर में फुल स्केल डिफ्लेक्शन आ रहा है कि नहीं। तो ये सर्किट है, इसी की तरह इसको डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तो कनेक्शन करेंगे, ये क्या है हम लोग का पावर सप्लाई है। तो पावर सप्लाई को यहाँ पे पहले इस पूरे सर्किट में लगाएंगे, मतलब यहाँ पे कनेक्ट करेंगे पावर सप्लाई को। ये पावर सप्लाई कनेक्ट हो गई, उसके बाद गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करना। तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर कनेक्ट नहीं है, गैल्वेनोमीटर यहाँ पर है, तो उसको हम लोग पॉजिटिव से पॉजिटिव को और नेगेटिव से नेगेटिव पे कनेक्ट करेंगे। गैल्वेनोमीटर कनेक्ट हो गया, चूँकि सीरीज में वैल्यू 4.9 किलो ओम आ रही थी, तो यहाँ पे हम लोग के पास 3 रेजिस्टेंस है, 8.2 किलो ओम, 4.9 किलो ओम और 2.4। तो यहाँ पे सीरीज में हम लोग क्या करेंगे, इसके सीरीज में क्या करेंगे हम लोग, ये 4.9 किलो ओम का ही कनेक्ट करेंगे। तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे टच करेंगे और इसको, अब क्या हुआ, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट हो गया है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर अपनी जगह कनेक्ट हो गया, क्योंकि पैरेलल में यहाँ पे एक वोल्ट मीटर कनेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे इस जो वोल्ट मीटर है वो 0 से 5 वोल्ट उसकी रेंज है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वोल्ट मीटर को कनेक्ट करेंगे, ये पॉजिटिव से पॉजिटिव को और नेगेटिव से नेगेटिव, ठीक। सर्किट एक बार फिर से देखेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने सप्लाई दे दिया है, गैल्वेनोमीटर को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पे जो एक आपका मल्टीप्लाइंग रेजिस्टेंस 4.9 किलो ओम का सीरीज में जुड़ गया है, इस पूरे कॉम्बिनेशन के अक्रॉस क्या किया गया है, एक वोल्टमीटर को जोड़ा गया, ठीक। अब यहाँ से पावर सप्लाई को ऑन करके फिर यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग रीडिंग लेंगे। रीडिंग में क्या होना चाहिए कि गैल्वेनोमीटर का क्या होना चाहिए, अगर स्केल 30 पे जा रहा है तो यहाँ पे वोल्टेज कितना जाना चाहिए, 3 वोल्ट पे जाना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग वोल्टेज बढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि गैल्वेनोमीटर की जो रेंज है वो 30 मिली वोल्ट पे है, हाँ। और ये गैल्वेनोमीटर का फुल स्केल डिफ्लेक्शन आ गया 30 पे, ये फुल स्केल है इसका। और यहाँ पे वोल्टेज कितना बता रहा है, 3 वोल्ट, मतलब ये गैल्वेनोमीटर क्या कर रहा है, 3 वोल्ट के वोल्टमीटर की तरह काम कर रहा है। अब इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम लोग 3 वोल्ट के वोल्टमीटर की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये दो तरीके से कहा जा सकता है इस प्रैक्टिकल को, कि गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन हो रहा है वोल्टमीटर में, या फिर अगर इसको एज ए वोल्टमीटर मानते हैं तो हम लोग वोल्टमीटर की रेंज बढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर इस वैल्यू की, सॉरी, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम लोग बढ़ाएंगे तो क्या होगा, गैल्वेनोमीटर का वोल्टेज और ज़्यादा ये बेयर कर सकता है। तो यहीं पर हम देखते हैं, अगर यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को अगर हम लोग बढ़ा दें 4.9 से हम लोगों ने 8.2 कर दिया है, तो अब फुल स्केल डिफ्लेक्शन 3 वोल्ट से ज़्यादा पर जानी चाहिए। तो यहाँ से जब ऑन करके देखेंगे तो देखिए अभी यहाँ पे वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे देखिए वैल्यू बढ़ाएंगे। अब देखिए यहाँ पे इसकी फुल स्केल डिफ्लेक्शन चली गई, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज कितना हो गया, 5 वोल्ट हो गया, मतलब इसकी रेंज क्या हो गई और बढ़ गई है, कि अब इसके फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे 5 वोल्ट का वोल्टमीटर एक काम कर सकता है। तो इसी तरह से हम लोग वोल्टमीटर की रेंज बढ़ाते हैं या एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करते हैं।